बिहार में राजनीति अपनी चरम पर है। एक तरफ जहां नीतीश विपक्ष को साधने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के कई मंत्री उनका साथ छोड़ रहे हैं। खैर, तेजस्वी यादव का एक बयान बीते दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां डिप्टी सीएम अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस दौरान तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और योगदान तो सबको देना चाहिए। राज्य को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अमन चैन चाहते हैं। मेरे हिसाब से इस विचार में खूबसूरती है। साथ ही तेजस्वी ने ये भी कहा कि हम लोग कलम बांटने में लगे हुए हैं और कुछ लोग तलवार बांटने में। लेकिन इन सब चीजों पर फर्क पड़ने वाला है बिहार। हम लोग सक्षम, हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी का नेतृत्व सक्षम है और हम लोग तो सरकार जो काम कर रहे हैं इनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी केवल सरकार को ही नहीं, अब आप लोगों की भी हो चुकी है। अब आप लोगों पर भी निर्भर करेगा कि आप जो है किस प्रकार से बिहार को, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और योगदान तो समूहों का होना चाहिए अपने राज्य को, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग सब लोग अमन चैन शांति चाहते हैं, मिलकर के रहे। जो देश की डायवर्सिटी है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। हम लोग कलम बांटने में लगे हैं, कुछ लोग तलवार बांटने में लगे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अमन चैन शांति कायम रहे, देश आगे बढ़े, प्रगति करे, बिहार आगे बढ़े। और जब तक बिहार आगे बढ़ेगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। बहरहाल 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा किसी भी मौके पर इस्तेमाल करने में तेजस्वी यादव चूकना नहीं चाहते। लिहाजा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में भी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा और बीजेपी पर जमकर वार किया।